स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपिका खरे। वंस अगेन आई वेलकम यू इन माय चैनल एब्सोल्यूट मेंटर। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एब्सोल्यूट मेंटर में। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे वीडियोज़ में देखने के बाद, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रिसोर्सेज। एक्चुअली रिसोर्सेज को हिंदी में संसाधन कहते हैं। और संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वो सारी चीज़ हैं जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, जिससे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। नेचुरल, प्राकृतिक, ह्यूमन यानी मानव, मानव निर्मित और प्राकृतिक तौर पे मिलने वाले संसाधन। मानव भी हमको प्रकृति से मिला है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन मानव निर्मित इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम बात करें कि जैसे मिट्टी, रेत, चूना, सीमेंट, गिट्टी, लोहा, ये सब हमको किससे मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन सबको यूज़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम हाउस या बिल्डिंग कहते हैं। ओके, घर बनता है, हॉस्पिटल बनते हैं और कॉलेजेस बन रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, ये सब किससे बन रहा है? इंसान बना रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूट इंक्लूड करते हैं हम, क्योंकि ह्यूमन के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बिल्डिंग्स, हाउस और इंस्टीट्यूट्स, ये सारी चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई जा रही हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करें, क्वांटिटी यानी तादाद में किसी चीज़ का बड़ा होना, और क्वालिटी किसी चीज़ की अच्छा होना, मतलब दक्षता होनी है किसी चीज़ में, एफिशिएंसी होना। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी क्या है कि आज मार्केट में आपको बहुत सारी वैरायटीज ऑफ क्लोथ्स अवेलेबल हैं, और क्वालिटी क्या है कि उस क्लोथ की अलग अलग ब्रांडिंग है और अलग अलग टाइप है, सच एज कॉटन, टेरिकॉट, दिस इज़ क्वालिटी, है ना? कि कौन सा कपड़ा कितना अच्छा हो, कितना सॉफ्ट हो, कितना मोटा, कितना भारी, कितना हैवी, कितना लाइट, ये सारी चीज़ें क्वालिटी के अंदर आती हैं। और क्वांटिटी क्या कि हम कितनी तादाद में उसको बना रहे हैं। आज आप मार्केट में एक चीज़ ख़रीदने जाओ और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक जूते ख़रीदने गए आप और वैरायटी ऑफ शूज़ यू हैव सीन इन द शॉप, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी वाइज भी आज सामान जो है वो मार्केट में कम नहीं हो सकता। और ये सब कुछ क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली, क्योंकि इंसान ने तरक्की की है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है, और इन सारी चीज़ों को बनाना इंसान के हाथ में था जिसको उसने बनाया है। अब ये टॉपिक सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज था और मैन मेड रिसोर्सेज था जो कि फिनिश हुआ। अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, और नेचुरल रिसोर्सेज इज़ अ लेंथी टॉपिक। एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिनको पाया जा सकता है या जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल जो एक ख़त्म हो जाए तो फिर वापस नहीं आते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, ख़त्म ना होने वाले रिसोर्सेज की बात करें, तो दैट इज़ विंड, हवा कभी ख़त्म नहीं हो सकती, पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो ह्यूमन लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी टोटली अर्थ में अगर हम इन सारी चीज़ों को ख़त्म होने की बात करते हैं तो। और बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन प्रकृति से मिलने वाली सारी वनस्पति जो है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट हो गया। अब हम पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन पेड़ बना कैसे है? प्रकृति से बना है, प्रकृति ने उसको बनाया है और प्रकृति ही उसको आगे डेवलप कर रही है। नई नई वेराइटीज़, स्पीशीज ऑफ हर्ब्स जो भी हमको मिलते हैं वो सब प्रकृति से मिल रहा है, ये इनमें कुछ भी हमारा बनाया हुआ नहीं है। हाँ, हमने गेहूँ प्रकृति से मिला, हमने गेहूँ उगाया और फिर उसको आटा बनाया, ठीक है? तो प्रोसेस हेल्प जो होती है वो ह्यूमन की होती है, प्रोग्रेस जो होती है वो ह्यूमन की होती है, लेकिन जो चीज़ नेचर से मिल रही है वो नेचर से ही मिलने वाली है। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन, जंगली जीवन की बात करें तो शेर, चीता, भालू, हाथी, ये सब जंगली जीवन है और इनका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर घास खाने वाले एनिमल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जानवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे नेचर में, तो होगा क्या कि ये हमारे सारे अनाज को भी खा जाएंगे, फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तो वाइल्ड लाइफ का होना भी ज़रूरी है इनकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए। एक चीज़ है, जितने भी प्रकृति में चीज़ें मिलती हैं आपको, चाहे वो एक छोटी सी चींटी क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा क्यों ना हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि ये आपकी नीड्स को, बेसिक नीड्स को पूरा कर रही हैं। इसके अलावा बात करें हम तो
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट इज रिसाइकेबल. रिसाइकेबल मतलब जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, सच एज आयरन. जंग खा जाता है, आपने देखा होगा कबाड़ी वाला आयरन खरीद के ले जाता है, पता है वो क्या करता है, उसको इंडस्ट्रीज में ले जा के अगेन उसको मेल्ट किया जाता है, अगेन उससे आयरन बनाया जाता है और उससे कोई नया फिनिशिंग गुड बनाया तैयार किया जाता है. ठीक है, आयरन हमको नेचर से मिला, मेटल जो है वो नेचर से मिला, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये मेटल टोटली ख़त्म हो जाएगा. हम इसको रिसाइकल तो कर रहे हैं, लेकिन जब जब हम इसको रिसाइकल कर रहे हैं इसकी क्वांटिटी कम हो रही है. ठीक है, क्वांटिटी वाइज ये कम होता चला जा रहा है. आपने इतनी बड़ी कांच की बॉटल रिसाइकल की, ओके, वो इतनी हुई, देन आपने फिर उसको रिसाइकल किया, फिर और छोटी हुई, फिर आपने उसको कौन रिसाइकल किया, वो और छोटी हुई, और एक टाइम आएगा जब वो रिसाइकल कंडीशन में नहीं होगा. यू नो हाउ मच टाइम ग्लास हैज रिसाइकल, इट इज़ 9 times. लगभग 9 बार आप किसी भी ग्लास को बहुत ईजिली रिसाइकल कर सकते हैं, उसके बाद आपको उसमें प्रॉब्लम होगी और वो रिसाइकल नहीं होगा. तो ये कंडीशन है रिसाइकेबल चीज़ों की, मतलब जो मेटल्स है या जो चीज़ हमको प्रकृति से नेचर से मिल रही है उसको हम रिसाइकल करके बना सकते हैं. नॉन रिसाइकेबल फॉसिल फ्यूल, यू नो फॉसिल फ्यूल, अवशेष जो होते हैं जो ज़मीन के अंदर जब दब जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, कभी कोई एपिडेमिक आया, वो ज़मीन में मिट्टी में दब गए और दबते चले गए. जब वो दबते चले गए तो क्या हुआ, उनमें ऑयल फॉर्म होता है ना, हमारी बॉडी में और किसी भी एनिमल की बॉडी में फैट जमा होता है, और वो फैट किस में ट्रांसफॉर्म होता है, ऑयल में ट्रांसफॉर्म होता है, सच एज पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया, कैरोसिन हो गया, है ना. ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिल रही हैं, ये हमको प्रकृति से मिल रही हैं. और कैसे मिल रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब ये जो पेड़ पौधों के और जानवरों के अवशेष हैं या जो भी अवशेष मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं उनसे हमको ये फॉसिल फ्यूल मिल रहा है. ये तो बात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ रिसोर्सेज का, लेकिन एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है कि हमको इस सारे रिसोर्सेज को बचा के रखना है. कंजर्वेशन इज़ मस्ट, कंजर्वेशन यानी बचा के रखना. अगर हम इसको बचा के नहीं रखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, जैसे हमने कहा पीने की पानी की बात करें, पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, प्रकृति में मौजूद है ना, क्योंकि 70% ऑफ वाटर इज़ देयर ऑन द अर्थ. लेकिन अगर पीने की बात पानी की बात करें तो वो -3% समथिंग रह चुका है, और उससे भी कम होता जा रहा है डे बाय डे, इसका स्तर जो है वो और कम होता चला जा रहा है. कंडीशन क्या होगी, एक समय आएगा जब हमको गंदा पानी पीना पड़ेगा, साफ पानी हमको उस मात्रा में अवेलेबल नहीं होगा. या जैसे आज हम मिनरल वाटर खरीदते हैं कभी किसी फंक्शन में या किसी उसमें, हमको हर वक्त मिनरल वाटर खरीद के पीना पड़ेगा, ये कंडीशन होगी. तो हमको इन सारी चीज़ों को कंजर्व करके रखना ज़रूरी है. पूरे जंगल और पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, शहद कहाँ से मिलेगा, जियोगे कैसे. और वाइल्ड लाइफ अगर इसी तरीके से शेर चीते और कई सारे जानवर, कुछ तो ऐसे स्पीसीज हैं, कुछ ऐसी प्रजातियाँ जिनको हमने टोटल ख़त्म कर दिया है. क्यों ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमने उनका यूज़ इतना ज़्यादा कर लिया, चाहे वो शिकार करने के लिए हो, चाहे उनको खाने के लिए हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, हमने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि आज वो बचे ही नहीं हैं. तो ये सारी चीज़ें बचाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी संसाधन हैं जो भी हमको प्रकृति से मिल रहे हैं, इनका प्रॉपर यूज़, सही यूज़ और सही तरीके से इनका रखरखाव, इनका बचाव ज़रूरी है, वरना हमारे लिए जीवन जो है वो डे बाय डे मुश्किल होता जाएगा, दिन प्रतिदिन हमारा जीवन और कठिन होता चला जाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.